और ये यहाँ पर यूज किया मैंने प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस का, खुद का क्लोन बनाया और देखो अब कैसे मैं इस कैंपर को ढूंढने वाला हूँ। गाइज न्यू अपडेट के अंदर ये सबसे कमाल की चीज मेरे को लगी है। यहाँ पर देखो मेरा टीममेट आगे जाता है गाड़ी लेके, मैं अपना क्लोन लेके आगे जाता हूँ और ये मुझे बंदे की पोजीशन पता चल गई। तो फाइनली गाइज पबजी मोबाइल का 3.0 अपडेट आ चुका है और गाइज ये वाली वीडियो में तुम्हें न्यू अपडेट में ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ ना भाई, तुम ये कहोगे भाई अब ना ये मोड खेल के बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ गाइज इस अपडेट के अंदर एक ऐसी चीज आई है जो कि अभी तुम लोगों ने देखी होगी, मतलब तुम लोग खुद का ही क्लोन बना सकते हो और उससे तुम एनिमी कहीं अगर कैंप कर रहा है तुम उसकी लोकेशन पता लगा सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो मैप के अंदर 3 इवेंट वाली जगह मिलेंगी जो कि है प्रिजन में, एक यासना में, एक जॉर्जो सिटी में। अब देखो अभी हम लोग सबसे पहले प्रिजन में कूदें और देखो इस सिटी में क्या होगा, पूरे एकदम अर्बन सिटी जैसे हाउस होंगे, एकदम बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यहाँ पे आप लोगों को केबल वगैरह मिलेगी इधर से उधर जाने के लिए। एंड देखो अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस जिससे हम खुद को क्लोन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और उसे क्या क्या कर सकते हैं दिखाता हूँ। अभी जैसे मुझे डिवाइस मिला, बॉल जैसा होगा, गेंद जैसा, उसके बाद ये देखो यहाँ पर मैंने इसे फेंका एंड गाइज ये मेरा यहाँ पे क्लोन तैयार हो चुका है। तो मैं अभी इससे किसी को फायर नहीं कर सकता, बस मैं उसकी लोकेशन पता लगा सकता हूँ, दैट्स इट। लेकिन वो भी मुझे मार नहीं सकता, अगर जैसे ही किसी ने मुझ पर फायर किया तो यहाँ पर ये मेरा जो क्लोन है वो मर जाएगा। एंड देयर वी गो, मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ चुका हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि जब आप ये डिवाइस यूज करते हो तो आपकी जो ओरिजिनल बॉडी है उस समय AFK हो जाती है, मतलब कोई भी आपको चाहे तो आके मार सकता है क्योंकि आप जो है अपने क्लोन को देख रहे हो। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कुछ बंदों को मारते हैं, उसके बाद में और भी ऐसी 2-3 मजेदार चीजें दिखाता हूँ इस अपडेट के अंदर। मतलब ये सुन के ही वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बट अभी देखो लेट आ गया भाई, इसने क्या नीड फेंका, अगर इसने कुक करके फेंका होता ना तो हम दोनों तो यहीं खत्म थे। अब देखो जैसे इस वाले बंदे को मारा तभी नीचे से एक और बंदे का साउंड आया, तो चलो अब तैयार हो जाओ दूसरी चीज के लिए जो कि है ये स्वॉर्ड। आप लोगों को दिख रही होगी इसको ब्लेड स्वॉर्ड कुछ ही बोल रहा हूं, इससे तुम लोग एनिमीज की बुलेट को रोक सकते हो, चाहे AWM की हो, चाहे DBS की हो, चाहे AKM की, कुछ भी हो, और इसके साथ साथ तुम उसे मार भी सकते हो। कैसे देखो जरा, ये देखो ये तुम्हें कुछ जाते हुए दिख रहा है, ये वहां पे जाके डैमेज करेगा एनिमी को। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी कैसे। देखने से पहले भाई मैं तो कह रहा हूँ जाके रजिस्टर कर लो और मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको फ्री स्पिन्स में क्या मिला है और जो लोगों ने डिपॉजिट कर दिया उनका बोनस अमाउंट अभी कितना हो चुका है। तो खेले स्टार की लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। तो खैर देखो अभी टीममेट फायर कर रहा है तो ये तो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, लेकिन अभी मैं तुम्हें असली एनिमी पे दिखाऊंगा कि उसकी जो बुलेट है मेरे पे नहीं आ पाएंगे एंड इवन मैं उसको डैमेज भी दे दूंगा। तो यार देखो वैसे चीज बढ़िया है बट वही है कि हमारी लॉबी के जो बंदे हैं ना भाई इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। हाँ लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यार उस समय तो बढ़िया है। और सबसे लास्ट में हमारी फेवरेट चीज ग्रिपलिंग हुक, जी हाँ गाइज ये वापस आ चुका है और इस चीज के लिए ना अभी के अभी एक लाइक कर दो यार, इसका नाम सुन के ना मेरी आवाज में एकदम दम आ गया है और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट भी है, ग्रिपलिंग हुक के साथ में आप इसे ग्लाइडर भी बना सकते हो जस्ट डबल टैप करके। एक बार टैप करोगे तो ग्रिपलिंग हुक बनेगा स्पाइडरमैन वाला वेब शूटर और एक बार डबल टैप कर दोगे तो ये ग्रिपलिंग हुक ग्लाइडर बन जाएगा। अब देखो यहां पे केबल का यूज करके मैं ऊपर चढ़ा एंड तभी मेरे को ऊपर से एक बग्गी का साउंड भी आया। और छोड़ो यार बंदों को बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं इधर की तरफ और इधर क्या चल रहा है भाई। आए हाय हाय यार क्या मजा आ रहा है इसे यूज करने में गाइस। तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में सभी का जवाब चाहिए, जितने भी लोग आज वीडियो देखकर बताओ कितने एक्साइटेड हो न्यू मोड के लिए। भाई क्या एंड टाइम पे गन चेंज करी, मुझे लगा ये नहीं आएगा, रीलोड मार लेता हूँ। चलो इस भाई साहब के पास भी मेरे को फिर से डिवाइस मिल चुका है क्लोन करने का। सामने दिख जाएगा, सामने दिख जाएगा, सामने दिख जाएगा।
तो अभी तुम लोगों ने देखो कितनी सारी चीजें देखी। पहली बात तो मैंने तुम लोगों को ये चीज बता दी, और अभी इस अपडेट के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं तुम लोगों को एक साथ रिवील नहीं कर रहा वरना तुम लोग पागल ही हो जाओगे सुन के। भाई साहब माँ कसम क्या ये सब आ रहा है। मैं तुम लोगों को अगर थोड़ा हिंट देना चाहूँ ना तो कि ऐसी भी चीज आ रही है गेम के बाद कि आप मरने के बाद एक ऐसे आइलैंड पे जाओगे, अगर वहां आप मर जाते हो तो आप सही मर जाओगे, लेकिन उस आइलैंड पे जाने के बाद अगर आपने सबको मार दिया तो आप वापस से गेम में जिंदा हो सकते हो। तो ये देखिए, ये है मेरे टीममेट का, ये मेरे टीममेट का क्लोन है और मेरा टीममेट उधर ऑफलाइन खड़ा है। और ये देखो भाई, ये कुछ कुछ देखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा देखने में लगता है कि यार ये ना कुछ एकदम जैसे हम जब टीडीएम में देखते हैं ना बंदे आते हैं ऊपर से उसके पीछे कवर सा लेता है ऐसा। और ये देखिए, इसकी एक लिमिट भी होती है, ये अपने आप भी फट सकता है। और हाँ, इसका कूल टाइम पीरियड भी होता है, आई थिंक 1 मिनट के आसपास, मतलब आप इसको दोबारा यूज करने के लिए 1 मिनट या 30 सेकंड कुछ होता है, अभी मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है। अब देखो यहाँ पर सामने एक बॉट है। ओहो, ठीक है। अब देखो हम इस शॉर्ट का यूज करेंगे। अब ये देखो इसकी ब्लड यहाँ पर डॉज होती हुई, और यहाँ पर मैंने खड़े खड़े इसको मार भी दिया है। तो यार अगर ना मुझे अभी तक इसके डैमेज के बारे में बढ़िया तरीके से नहीं पता, क्योंकि हमने इसे कभी रियल बंदे पर टेस्ट नहीं करा। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ दूसरी चीज़। जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया था कि पूरे मोड के अंदर इवेंट वाली 3 जगह हैं, तो अभी हम देखो दूसरी जगह पर आ चुके हैं जो कि है जॉर्जो पूल में। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे, यहाँ पर कम चेंजेस नहीं है, बहुत सारे चेंजेस मैं दिखाऊँ। अगर सबसे बड़ा चेंजेस तो वो है अपार्टमेंट में, मतलब मुझे पता है कि ये सिटी में जो कुछ नए घर हैं वो तो ऐड हुए ही हैं, बट यहाँ अपार्टमेंट की बिल्डिंग ही गायब कर दी भाई, ऊपर छत ही नहीं है। देखो जरा ये देखो, ये अपार्टमेंट देखो, इतने छोटे अपार्टमेंट तो भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइज। ऐसे अपार्टमेंट बड़े अजीब से लग रहे हैं देखने में। और साथ ही में गाइज यहाँ पर केबल का यूज़ करके देखो हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और, ये जो केबल वाले ये जो हुक होते हैं ना, इनको तोड़ भी सकते हैं, और चाहे तो कोई इन केबल्स का फिर यूज़ भी नहीं कर सकता है। तो गाइज मतलब इतना कुछ है बताने के लिए यार, मेरा मुंह दुख गया पता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं बताऊंगा यार, क्योंकि न्यू मोड है, मुझे ही मज़ा आ रहा है भाई इसे खेलने और देखने में। अब देखो इसके बाद में लास्ट सर्कल था, और यहाँ पर मैं तुम्हें प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस, मतलब अपने खुद का क्लोन बनाने वाले डिवाइस का यूज़ करके दिखाऊंगा और कितने काम की चीज़ है। अभी देखो मैं जब इसे कॉन्करर लॉबी में यूज़ करूँगा ना तब इसका अलग यूज़ होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ देखो क्या मज़ा आता है। जैसे हम लोग यहाँ आए, भाई साहब दोनों बच गए, पीछे साउंड आया। एक नॉक, चलो भाई साहब इसी के साथ में दोनों बंदे मारे। अब मेरा टीममेट आगे पहुंच गया था, मुझे उसको कवर देना था, ये पत्थर वाला नॉक हुआ। और भाई यहाँ चारों तरफ इतने सारे बंदे थे ना, मैं पता नहीं कैसे बच गया यहाँ पर, मुझे खुद नहीं पता, मेरा पक्का कोई तुक्का लगा यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले लिया बूस्टर, उसके बाद में मेरे टीममेट ने बताया कि उसके सामने बंदे, एक बंदा यहाँ मुझे ये दिखा, इसको नॉक किया। पेड़ के पीछे एक और बंदा था, और देखा गाइस कैसे मैंने सॉर्ड का यूज करके अचानक से आगे ट्रेवल किया। हाँ भाई ये सब भी कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ है यार कसम से। मतलब अभी तो मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूँ जो मुझे पता है, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी न्यू अपडेट के अंदर होंगी जो शायद मुझे पता ही नहीं है। भाई इस कारल का नॉक जब एक बार बंदा हो जाता है ना, इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि इस बेकार गन से, बेकार गन में इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्या रिकॉइल होता है इसका अलग ही प्रकार का। अब देखो यहाँ पर मैंने ग्लाइडर का यूज़ किया, और अब टाइम था प्रॉक्सी डिवाइस को यूज़ करने का, क्योंकि सामने बंदे थे और एग्जैक्ट कहाँ से कुछ नहीं पता था, गया तो। ये बंदा है कि बॉट है? अब बेशक ये सिंगल पे चला रहा था, लेकिन हाँ ये था मुझे लग रहा है असली बंदा ही। खैर कुछ कह भी नहीं सकते, पबजी मोबाइल के अंदर के जो बॉट है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मैंने तुम्हें शायद पहले ही बताया था कि वो गाड़ी भी चला के आते हैं, लेकिन बीच माई के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो बस क्रेट ओपनिंग है और पैसे बहाते जाओ, और तो कुछ बचा नहीं है इसमें। यहाँ पर देखो मैंने प्रॉक्सी डिवाइस फेंका और मेरा टीममेट मेरे ऊपर स्मोक कर देता है, क्योंकि जो मेरी बॉडी थी वो इस समय आइडल थी और कोई भी आराम से मुझे नॉक फिनिश डाल सकता था। अब देखो जैसे मैं सामने आया यहाँ पर बंदों को स्पॉट करने के लिए, बट यहाँ मुझे आज बंदे नहीं मिले।
तो देख सकते हो गाइस प्रॉक्सी डिवाइस का यूज करके हम लोग ना इसका भी यूज कर सकते हैं, तुम्हारा ग्रिपलिंग हुक का और क्या बोलते हैं इस ग्लाइडर का। और यहाँ पर हुआ काउंटडाउन और इसी के साथ मैं ये खत्म, मैं वापस से अपनी रियल बॉडी में वापस। भाई यार ये चीज़ ना बहुत कुछ कर सकती है, मतलब इवन हम लोग अभी आइडिया नहीं है, हम लोग अभी इसके बारे में स्टडीज़ बनाएंगे एंड हो सकता है कैंपर लोग भी इसका कुछ नया इंतजाम निकाल दें, कुछ भी हो सकता है भाई, कैंपर लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे इसका। अब देखो सामने मैंने एक बंदे को नॉक किया, उसके बाद में यहां पर अब टाइम था प्रॉक्सी डिवाइस को यूज करने का, लेकिन उससे पहले बूस्ट किया मैंने। और ये तलवार का क्या साउंड आ रहा है भाई, और ये देखो इसके बाद में फेंका मैंने ये प्रॉक्सी डिवाइस और अब हम करेंगे स्काउटिंग। देखो अब देख रहे हो यहाँ पर सामने कहाँ बंदे मुझे कुछ आइडिया नहीं, ठीक है मेरी बॉडी को मैंने पत्थर के पीछे फेंक दिया। और हाँ एक चीज, आप इसे गाड़ी में ना बैठ सकते हो ना चला सकते हो। एंड ये देखो बंदे की पोजीशन पता चल चुकी है, भाई साहब इस पेड़ के पीछे बैठे हुए हैं, तो है गाइस कमाल की चीज की नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मौली फेंकी, अब देखो मेरे टीममेट ने अभी प्रॉक्सी स्काउट का यूज किया था और मेरे हिसाब से उसको किसी ने मार दिया, आई मीन उसके डिवाइस को जो क्लोन था। और भाई साहब बड़ी ही जिद्दोजहद के बाद फाइनली ये बंदा नॉक हुआ, और मुझे नहीं लग रहा कि मेरा किल सिक्योर होगा, अगर वो अलग टीम का बंदा हुआ तो पक्का मेरा किल चुरने वाला है। अब जैसे इस वाले बंदे को मारा तो अब केवल चार बंदे और बचे थे, आगे आया। अब बंदे को स्पॉट करने के लिए मेरा टीममेट आगे जाता है, मैं उसके पीछे पीछे, और ये दिख गया बंदा। और क्या लगता है ये मौली जलेगा, राइट से एक और साउंड आया पीछे से, ये तो पक्का मुझे बॉट लग रहा है, लेकिन असली बंदा आ गया है। ये पीछे भागा, लिट हुआ हल्का सा, और फाइनली खींची एक नेट की पिन, और ये थे भाई पूरे दो। अब एक बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन उसने मुझे भी नॉक कर दिया, और इसी के साथ में ये टीम खत्म होगी, बचा केवल आखिरी बंदा। और पता है आखिरी में कौन बचा, भाई साहब बॉट। तो गाइस कैसा लगा है तुम्हें न्यू अपडेट, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और भाई मुझे सही बताऊं तो बहुत पसंद आया है, क्योंकि इस अपडेट के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें और भी हैं, मैं तुम लोगों को अभी इस अपडेट में नहीं बता रहा, वरना तुम मेरी बाकी की वीडियोस क्यों देखोगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अगले अपडेट में बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तो और ये देखो भाई ये बॉट हमें मिल चुका है, ये बॉट ही है ना, यस ये बॉट ही है गाइस, एंड हो चुका है डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, न्यू अपडेट की भी हो सकती है या फिर बीच में रैंक पुशिंग की भी, क्योंकि मेरी जो रैंक है अभी थोड़ी गिर गई है, क्योंकि यार अभी उतना मजा नहीं आ रहा है मेरे को, न्यू मोड ज़्यादा मैं खेल रहा हूँ, तो रैंक में रैंक पुशिंग ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।